का बेटा हूँ, किसान की तरह चालू करूंगा। बड़ा कष्ट हो रहा है इस सरजमी पे आने पे, और हमारे साथी आज हमारी दशा जिस स्थिति में है इसका कारण जानते हैं क्या? इस टाट पे बैठे जो लोग हैं वो एक श्रेणी में आते हैं, इस टाट के पीछे जो बैठे हैं वो दूसरे श्रेणी में आते हैं, और कुछ लोग जो टहल रहे हैं वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। ये लगता है ट्रेन का डिब्बा बना हुआ है, और डिब्बे में सिर्फ डिब्बा ही है, बोगी का जो मेन इंजन है वो मात्र एक विक्रम भैया को बना दिया गया है। साथियों, अभी तक तो ये नेतागिरी की भाषा चल रही थी, मैं किसान की तरह एक भाषा बताता हूँ। पहले बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, अनुदाता की एकता, अनुदाता की एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। सभी साथियों जो पीछे बैठे हैं वो अपने कपड़े का ध्यान न दें, और जो घूम रहे हैं वो अपने घूमने का ध्यान न दें, कृपया इस मंच के सामने आए और अपनी फोटो खींचते हैं, फेसबुक अपडेट करते हैं, घर वालों को बता रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है। अरे ये तो बताइए कि घर वाले जान लीजिए हम आए चाहे ना आए, लेकिन इतना तो जरूर करके आएंगे कि योगी जी सुन लीजिए, आप तो 5 साल के लिए आएंगे, हम 60 साल के लिए आएंगे। और हम जो आने वाले आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग नन्हू बच्चू ऐसे भर्ती वाले नहीं है जिसे कहते बेस्ट क्वालिफाइड। हमारे बीच में अभी अभी बताया गया कि LLM किए हुए PCS प्री निकाले हुए हैं, हमारे बीच में बताया गया कि LLM किया हुआ, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जो हम लोगों के अंदर नहीं मौजूद है। लेकिन ये चोर सरकार जिसकी चोटी बुद्धि में थोड़ा सा भी हो नहीं है, अंगूठा जब वित्त मंत्री बन जाता है, अंगूठा जब कानून मंत्री बन जाता है, हम कहते हैं कि अगर कानून मंत्री बनाते हो तो कम से कम उसके पास कानून की डिग्री तो होनी चाहिए, वित्त मंत्री बनाते हो कम से कम उसके पास वित्त का ज्ञान होना चाहिए। सरकार पे सरकार बनाए जा रहे हो, EPM पे EPM हटाए जा रहे हो, रोज 5,000 वोट पड़ते हैं, गिनती होती है तो 10,000 निकल जाते हैं, ये कौन सी सरकार है? भ्रष्ट सरकार है। अगर आप में थोड़ी सी भी ताकत है तो आइए यहाँ हमारे सामने दरबार करिए और समझ पाइए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। तुम अपने बच्चे की तो इमारत खड़ी कर रहे हो, लेकिन हमारे बच्चे के लिए क्या है? हम कोर्ट जीत गए, हाई कोर्ट में डबल बेंच जीत चुके हैं, अभी भाई ने बताया सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अरे थोड़ी भी तो तुम्हारे अंदर इज्जत बची हो तो थोड़ा आओ और कहो हमसे एक गलती हो गई, नहीं तो उस दिन क्या करोगे कि जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि यही ले जाओ और पूरा पैसा दे के आओ, ठीक है? तो तुम्हारे अंदर वो क्या रह जाएगा, क्या है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर आत्मीयता की वो क्षमता ही समाप्त हो गई है। हम वो भी दिन देखे हुए हैं, हम चूंकि गोरखपुर सर्जरी से आते हैं, यही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, यही योगी जी हैं जो नाले में घुस के और नाला साफ कराते थे, सांसद हुआ करते थे, हमने देखा है। आज कौन सा रवैया आ गया है आपके अंदर कि आप ये नहीं समझ पा रहे, एक अनुदेशक की पीड़ा नहीं समझ पा रहे? दूसरी बात योगी जी के लिए, योगी जी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं अगर हम सभी चाहें तो, क्योंकि हम अपने क्षेत्र से सभी लोग शांति बना के बैठे, थोड़ा सा सब लोग बैठ जाइए सर प्लीज। इस पर आप सभी को इल्जाम से इस जमीन को पकड़ कर बैठना होगा, तब सरकार हम लोगों की बात को मानेगी। मैं कहना चाहूंगा ये सरकार ना तो संविधान को मानती है और ना अपने नैतिक कर्तव्य को जानती है, ये केवल अत्याचारियों की सरकार है, तानाशाहियों की सरकार है। इस सरकार जितनी भी अपेक्षा की जाए
कौन है? मैं बस यही कहना चाहूंगा और